इस वीडियो में हम व्यू टैब के लास्ट ग्रुप माइक्रोस के बारे में जानेंगे। तो माइक्रोस को जानने से पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारी स्लाइड है यहाँ पे होम पेज जाएंगे और इसका लेआउट यहाँ पे ब्लैंक करेंगे। स्लाइड का ब्लैंक लेआउट रखने के बाद हम व्यू पे जाएंगे। व्यू पे जाने के बाद माइक्रोस ग्रुप को समझेंगे। अगर पावर पॉइंट में हम कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं तो ये काम हम पावर पॉइंट के माइक्रोस के द्वारा कर सकते हैं। पावर पॉइंट में माइक्रोस बनाने के लिए हमें विजुअल बेसिक का नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी हम माइक्रोस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको क्रिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डेवलपर टैब ओपन करेंगे। तो इसको ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद ऑप्शन पे जाएंगे। ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे पावर पॉइंट ऑप्शन डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन ये हमारे पास दिया गया होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे सभी ये ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ पे हम नीचे आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो डेवलपर टैब है इसको यहाँ से चेक करेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। तो ओके पे क्लिक करने के बाद ये डेवलपर टैब यहाँ पे आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे डेवलपर टैब बन के आ गया है। तो डेवलपर टैब आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो है यहाँ पे इसकी रिबन ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, माइक्रो सिक्योरिटी यहाँ पे क्लिक करेंगे। माइक्रो सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे इनेबल ऑल माइक्रोस यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको भी चेक करेंगे। चेक करने के बाद हम यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा लेबल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लेबल यहाँ पे बनाएंगे। ये देखो ये लेबल यहाँ पे एक हमने यहाँ पे बनाया। बनाने के बाद एक लेबल और यहाँ पे हम बनाएंगे, ये दूसरा लेबल आ गया। दूसरा लेबल बनाने के बाद हम एक और लेबल यहाँ पे बनाएंगे, जैसे ये लेबल, तीसरा लेबल यहाँ पे आ गया। ये लेबल लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ये टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। ये देखो इसके लिए लेबल टू के लिए यहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे बनाएंगे। बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेबल फर्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे लेबल ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एंटर दी नंबर, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद दूसरे लेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद लेबल ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और एडिट यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ भी हम लिखेंगे एंटर द नंबर, ये दूसरे लेबल पे भी हमने ये लिखा। लिखने के बाद तीसरे लेबल पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ भी हम लेबल ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और एडिट करेंगे। यहाँ पे इसको मिटाएंगे लेबल थ्री को। ये मिटाने के बाद इसके बाद क्या करेंगे, आगे ये हम कमांड बटन है, ये हम यहाँ पे बनाएंगे। जैसे ये फर्स्ट कमांड बटन है, ये हमने यहाँ पे बनाया। अब एक और कमांड बटन यहाँ पे बनाएंगे, एक और कमांड बटन यहाँ पे बनाया। इसके बाद एक और कमांड बटन यहाँ पे बनाएंगे, एक और कमांड बटन यहाँ पे बनाया। इसके बाद एक और कमांड बटन यहाँ पे बनाएंगे, ये देखो एक और कमांड बटन यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया। ये हमने यहाँ पे चार कमांड बटन यहाँ पे बनाए। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद कमांड बटन यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे।
एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ऐड, ये हमने कमांड बटन यहाँ पे फर्स्ट पे ऐड लिखा। इसके बाद सेकंड कमांड पे कमांड बटन ऑब्जेक्ट पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा। अब तीसरी कमांड बटन है यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कमांड बटन ऑब्जेक्ट यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको मिटाएंगे। मिटाने के बाद यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लिखा। लिखने के बाद अब चौथे कमांड बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कमांड बटन पे एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्लियर, यहाँ पे लिखा क्लियर। तो क्लियर लिखने के बाद ये हमारे पास कमांड बटन आ गए। आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम विजुअल बेसिक की कोडिंग लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा लेवल 3 डॉट कैप्शन, यहाँ पे कैप्शन ये आ जाएगा। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ये कैप्शन यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू वैल्यू, इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट टेक्स्ट, ये टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे फिर बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये लिखा। लिखने के बाद ब्रैकेट यहाँ पे बंद की, इसके बाद प्लस प्लस, लिखने के बाद वैल्यू, फिर वैल्यू लिखने के बाद टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स लिखा। टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, इसके बाद ब्रैकेट यहाँ पे बंद की। बंद करने के बाद ये हमने यहाँ पे विजुअल बेसिक की कोडिंग लिखी, लेबल 3 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद यहाँ से भी इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ से स्लाइड शो करेंगे। तो स्लाइड शो करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे जैसे कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे 15 नंबर यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा 5 लिखा। इसके बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये देखो 15 और यहाँ पे 5, इसको ऐड करके यहाँ पे ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे 20 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा ऐड करने का हो गया, अब सेकंड कमांड यहाँ पे सब्ट्रैक्ट ये करेंगे। तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद ये जो ऊपर विजुअल बेसिक की कोडिंग लिखी हुई है इसको कॉपी करेंगे। ये देखो सारी कोडिंग यहाँ पे इसको कॉपी किया, जैसे ये कॉपी, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट। तो पेस्ट करने के बाद लेवल 3 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट प्लस, यहाँ पे प्लस की जगह हम ये चेंज करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ये लिखा। लिखने के बाद हम इसको यहाँ से बंद करेंगे। बंद करने के बाद यहाँ से इसको बंद करेंगे। ये दूसरा सब्ट्रैक्ट के लिए हो गया। अब तीसरा है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ये विजुअल बेसिक की कोडिंग हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, ये देखो ये कॉपी की, ये यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ भी लेवल 3 डॉट कैप्शन इज इक्वल टू वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, यहाँ पे माइनस की जगह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सिंबल यूज़ करेंगे। ये देखो मल्टीप्लाई यहाँ पे आ गया। इसके बाद वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट, ये लिखा। ये लिखने के बाद इसके बाद यहाँ पे इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद यहाँ से इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम क्या करेंगे, ये क्लियर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। तो क्लियर पे डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 1, टेक्स्ट बॉक्स 1, 1 लिखने के बाद डॉट टेक्स्ट यहाँ पे लिखा इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। ये देखो एंटर प्रेस करने के बाद फिर हम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट,
और ये लिखने के बाद इज़ इक्वल टू, इसके बाद फिर एंटर लेवल थ्री डॉट कैप्शन, ये लिखा इज़ इक्वल टू, और ये हमने यहाँ पे कोडिंग लिखी। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको बंद करेंगे। बंद करने के बाद यहाँ से भी इसको बंद करेंगे। यहाँ पर हमने चारों कमांड्स के लिए यहाँ पे विजुअल बेसिक की कोडिंग यहाँ पे सेट कर दी। लेवल पे यहाँ पे हमारा लेवल था, यहाँ पे क्लिक करेंगे ये लेवल, यहाँ पे लेवल थ्री यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद अगर लेवल थ्री में हम चाहते हैं कि जो हमारे पास ऐड होके यहाँ पे आए या सब्ट्रैक्ट होके आए या मल्टीप्लाई होके जो भी यहाँ पे आए, उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है और उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है वो चेंज हो, तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी कमांड पे जाएंगे। प्रॉपर्टी कमांड पे जाने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे, ये फ़ॉन्ट है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ ये चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे 14 है, हम यहाँ पे सपोज़ करो 26 यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे हमने रखा। रखने के बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल ये भी चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल इसका बोल्ड कर दिया। बोल्ड करने के बाद हम ओके पे क्लिक करेंगे, तो अब जो भी यहाँ पे ऐड होके या सब्ट्रैक्ट होके जो भी यहाँ पे आएगा उसका साइज़ और उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर स्लाइड शो पे जाएंगे। स्लाइड शो पे जाने के बाद अब क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे कोई वैल्यू इंटर करेंगे, जैसे 15, और 15 यहाँ पे सेकंड टेक्स्ट बॉक्स पे हमने भरा 5। तो 5 करने के बाद अगर हम इसको ऐड करना चाहते हैं तो हम ऐड पे क्लिक करेंगे। ये देखो ये जो 20 आया, ये फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज हो गया है। ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है इसका 26 आया, और जो फ़ॉन्ट स्टाइल है इसका वो बोल्ड में आ गया। तो इनको दोनों को ऐड किया और ये 20 इसका आंसर आ गया। अगर इसको क्लियर किया, क्लियर करने के बाद यहाँ पे क्लियर कमांड पे क्लिक किया तो क्लियर हो गया। अब क्या करने जाते हैं, जैसे यहाँ पे 15 लिखा, 15 लिखने के बाद यहाँ पे 5, तो 5 लिखने के बाद इसको अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो ये देखो 15 और 5 ये सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे 10 आ गया। तो 10 इसके बाद अगर ये भी क्लियर करना है, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे क्लियर कमांड पे क्लिक करेंगे। तो क्लियर कमांड पे क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अब क्या करने जाते हैं, अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जाते हैं, जैसे 15 और इसी को हमने ये नीचे टेक्स्ट बॉक्स में 5 भरेंगे और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो यहाँ पे क्लिक किया थर्ड कमांड पे, तो ये 75 यहाँ पे आंसर इसका आ गया। तो इसको भी क्लियर करना है, तो हम यहाँ पे क्लियर कमांड पे क्लिक करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर हम कोई ऐड करना चाहते हैं या कोई सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे वैल्यू भरेंगे, और वैल्यू भरने के बाद उसका जो आंसर है वो लेवल 3 यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर और कोई वैल्यू अगर हमने एंटर करनी है तो हम यहाँ पे भरेंगे, जैसे 75 यहाँ पे भरा, और 75 सेकंड इसमें टेक्स्ट बॉक्स पे 12 भरा, तो इसके बाद फिर ऐड किया तो ये देखो यहाँ पे 87 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसके बाद अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पे ये देखो सब्ट्रैक्ट हो गया। इसके बाद मल्टीप्लाई करना है तो ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। अगर ये वैल्यू क्लियर करनी है तो यहाँ पे क्लियर पे क्लिक करेंगे, ये क्लियर हो जाएंगी। तो इस प्रकार हम ये काम यहाँ पे कमांड के जरिए कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम माइक्रो प्रोग्रामिंग के जरिए कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने माइक्रो प्रोग्रामिंग के बारे में जाना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद।